ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਈ ਭਈ ਆਇਆ ਗੁਲਨਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਾਤਾ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और आप भी सर ठीक होंगे? आप कैसी हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, ये बालू के साथ क्या हुआ है? एक साइड पे अर्षा की तैयारी तो है, अर्षा की तैयारी नहीं है, इसके पीछे क्या सीन है अक्सा? ये बहुत बड़ा सीन हो गया। अभी बैठे बैठे प्लान बना है मेरा कि ना हमारी भी ईद जोन थी ना वैसे बड़ी, मतलब क्या अब लाहौर में बोर ही गुजरेगी एक हिसाब से, ये बाहर कहीं आने चले जाएंगे। अक्सा को तो मैं अलीपुर लेके नहीं जा सकता, एक तो अलीपुर का रोड बहुत खराब है। अभी बैठे बैठे प्लान ये बना है, मैंने गुलनाज लोगों से बात की है, मैंने उनको कहा कि मैं आप लोगों को लेने आता हूँ, ठीक है? उनका भी दिल था, जारी बात है, वो भी वहाँ पे अकेले ईद कर रहे हैं, बोर हो रही थी, कहती है हमारा भी दिल कर रहा है कि हम आप लोगों के पास ही आ जाए। तो फिर मैंने ये प्लान बनाया कि अभी मैं और आयशा जाएंगे उनको लेने के लिए। आयशा की तैयारी जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो गई हुई है, बस रोला था पड़ेगा जब इसको पता चलेगा कि अम्मा जी मेरे साथ नहीं जा रही, और इसको पता है कि मैं जा रही हूँ नानो घर, ये पता है क्योंकि अभी हम उनसे बात कर रहे थे। गाड़ी तक जाते हैं, थोड़ा सा रोएगी लेकिन उसके बाद सेट हो जाएगा। एक ना छोटा सा प्रैंक करते हैं गुलनाज लोगों के साथ, उनको मैंने कह दिया आप लोग रेडी हो जाओ मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं उनको अचानक कॉल कर कहता हूँ कि मैं नहीं आ रहा, उनके रिएक्शन देखते हैं आपके साथ प्रैंक किया और उनके रिएक्शन देखते हैं। मैं प्रैंक कर रहा हूँ, मैं तो आ ही नहीं रहा, मैं तो प्रैंक कर रहा हूँ। हाँ मैं प्रैंक कर रहा हूँ, तुम मेरे ना प्रैंक कर रही है जी, ना हांडी पका रही है जी, मैं भी प्रैंक करांगा हूँ। नहीं कोई प्रैंक नहीं है, मैं कह रहा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं निकलने लगा ये करो। ये वाला सफर हम दोनों की जिंदगी का पहला सफर होगा, मतलब आपका भी, जिसमें आप अकेली घर रहेंगी और आयशा मैं इतना लंबा ट्रैवल करके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं मैक्सिमम बड़ा भी हुआ ना, मैंने 4 से 5 घंटे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह वापस आ जाना है। दूध देता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमने रास्ते में बिल्कुल भी वहाँ पहुँच के वेट नहीं करना, बस हमने आना जाना करना है। अपना ख्याल रखना, एलईडी चला दी है मैंने, इंटरनेट आपके पास है, कुछ भी बैठ देखना और आराम से उनसे इंटरटेन रहना, ठीक है? बोर ना होना बिल्कुल भी। अजीब कंफ्यूजन है, कह रही है पापा के साथ भी जाना है और मामा को भी साथ देके, अकेले नहीं जाना, दरवाजे तक छोड़ा है मैं नीचे, ठीक है? आज चले, चलो आज चले। आयशा की हमने ट्राई की है कि साथ जाए, लेकिन मेरे साथ नहीं वो जा रही, नहीं, कहती मामा भी साथ। वैसे ये वाला काम है खराब ही, हाँ, मेरे साथ ही नहीं जाती, हाँ, कोई हो जाएगी नहीं होगी, देख लेना आप। अब हमें ये भी टेंशन होती है कि ज्यादा रोएगी तो उसको बुखार ना हो जाए, आप अकेले लेके भी नहीं ना जाते उसको। चले नेक्स्ट लेके जाना, मैं शुरू कैसे करूँ, शुरू ही नहीं करने देती वो। मैं तकरीबन घर से ना कोई 15-20 मिनट दूर चला गया हुआ था, फिर मुझे ना याद आया कि पहले तो अक्सा साथ होती है तो मैं इतनी चीजें, मेरा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पास नहीं भी रखता, लेकिन अभी अगर पुलिस वाले रोक लेते तो पास ना ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो अभी इसलिए जा रहा हूँ घर वापस, वहाँ से चीजें वगैरह सारी उठाता हूँ, फिर जो है ना आगे निकलूंगा, ताकि अगर आपको कोई रास्ते में रोकता है आपके पास आपका लाइसेंस वगैरह, आपका आईडी कार्ड वगैरह, इस तरह की सारी चीजें आपके पास पूरी होनी चाहिए। अक्सा को नहीं पता कि मैं वापस आ रहा हूँ, अभी जाता हूँ घर तो फिर दोबारा निकलता हूँ। अकेले जाते हैं कुछ चीजें पास होनी चाहिए, क्या हुआ वो ये चीजें वगैरह, मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो पास होने चाहिए ना, कि फोन नंबर नहीं नहीं, नहीं। पहले तो ये होता है ना कि आप साथ होती है तो नहीं पुलिस वाले रोकते, कोई पता नहीं होता, ईद का टाइम है तो वो रोक भी, चेकिंग वगैरह आपको पता ज्यादा हो रही होती है, बाकी सारा कुछ पास कम्प्लीट होना चाहिए। ये ना मेरे बच्चे ने पापा साथ नहीं जाना, चलो ठीक है नहीं लेके जा रहा। अच्छा इसकी आदत चेंज करते हैं आके ना, मैं आदत नहीं चेंज करनी, नहीं मैंने आदत नहीं चेंज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला टोल प्लाजा आ गया हुआ है, लेकिन रात के टाइम का ये सीन होता है आपको पूरे रास्ते में जो है ना ट्रैफिक नहीं मिलती, तो अभी मुझे भी यही फायदा है कि मैं आराम सुकून से पहुंच जाऊंगा। अब इसमें मेरी वाली लाइन कौन सी है मैं देख लूं। यहाँ पे भी ईद की खुशियां मुबारक दे रहे हैं आपको, ईद मुबारक हो, यहाँ पे आ रहा था अभी चला गया, सीट बेल्ट मैंने बांधी हुई है, उन्होंने ना वैसे ही वहाँ पे लिखा हुआ सीट बेल्ट बांध ले, मैंने भी कहा बांध ले, पता नहीं सीट बेल्ट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जा रहे हो ना तो यहाँ पे साइड पे भी लिखा आ रहा होता है सीट बेल्ट बांध ले, तो इसलिए मैंने कहा बांध ले सीट बेल्ट। अभी मैं मोटर वे जो है काफी टाइम से, वैसे तो मैं मोटर वे पे आ गया हूँ, बस अब थोड़ी देर बाद मैं मोटर वे उतरने वाला हूँ, फिर डायरेक्ट गुजरांवाला से अलीपुर, और बस वहाँ पे 10-15 मिनट वेट करके ना वहाँ से वापस निकल। अभी ना मैं यहाँ पे अपने टायर्स की हवा चेक करवा रहा था, तो मैंने कहा साथ में अक्सा से बात कर लेता हूँ। हाँ जी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बैठी। बिल्कुल इजी। कोई मसला मुसला तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलीपुर पहुंच गया हूँ अभी, और थोड़ी सी जो है ना मैंने अलीपुर की चांद रात भी देख ली है, लाहौर की तो देखी नहीं है, 2-3 दिन से लाहौर की चांद रात ही देख रहे हैं, तो अलीपुर में ये सीन अभी चल रहे हैं, बाजार तकरीबन जूतों वाली शॉप सारी और मतलब फूलों शूलों वाली ये खुली हुई है, बाकी जो सब बाजार दूसरी दुकानें बंद हो गई हुई है। ये है जी अलीपुर का मेन बाजार, बाजार तो बंद हो गया, तकरीबन टाइम अभी 1 बजे 1:05 हुए हैं, लेकिन बंद हो गया हुआ सारा कुछ ना। पहुंच गया हूँ मैं, हैं किधर? खैर मुबारक, बात करवाए आयशा से, ये खड़ी हुई है।
आपको पता है, आपको पता है इधर कौन कौन है? कोई नहीं खाला, भाग जो यहाँ से, साथ आई कोई नहीं। खाला किधर है? खाला की जगह है ये है खाला। नहीं आई, रोंदी रही। मैं अब आपको बताता हूँ आयशा। आयशा मैंने अब कोई नहीं, मैं यहाँ पे ईद करके आऊंगा, कोई नहीं, मैंने खाला को साथ लेके आना, बैठी रहो अकेली वहाँ पे, ठीक है यार। अक्सा मैं क्या, चले आपको भी साथ साथ दिखा देता हूँ, क्या याद करेंगी। ये देखे मैं यहाँ पे बैठ के मैं ये खाने लगा हूँ। अभी पेप्सी आई है, साथ क्यूब्स आए हैं, ठीक है, और साथ चिप्स आई हैं। आयशा ये देखो ये देखो मैं पेप्सी पीने लगा हूँ। मौसम ठंडा है यहाँ का। मुझे नहीं सही बात है, अपनी जिंदगी में अभी तक याद, जितनी देर हमारी शादी को हो गई है कि अक्सा के अलावा मैं कभी आया हूँ। मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ, पहले आयशा का आजू साथ, आयशा मेरे साथ नहीं आई। यहाँ पे बना हुआ है चिकन, आलू चिकन शोरबे वाले, ये मेरे ज्यादा फेवरेट हैं, और साथ ये बारबेक्यू टाइप आया हुआ है। तो पहले अब खाना शुरू करते हैं, बल्कि पहले अक्सा को भी दिखा देता हूं कि मैं तो खाना खाने लगा हूं। अक्सा को मैं वैसे क्या कह रहा था, अगर आपने कुछ खाना हो तो घर पड़े हुए चावल वगैरह ही पड़े हुए, आटा ही पड़ा, सारा कुछ पड़ा हुआ है, उसका खाना शाना जो उनसे घर पड़ा वो खा लेगी। ये बर्फ पड़ी है कब से ना अक्सा का भाई सामा कही जा रहा है, ये बर्फ खाने के लिए आई है, क्यूब्स इसमें डालने के लिए, लेकिन कोक जो उनसे वैसी ठंडी है। मैंने यहाँ पे आगे एक चीज नोट की, मौसम वैसी ठंडा है, फैन के बगैर देखे ना, आराम सुकून से फैन के बगैर बैठा जा रहा है, जरूरत नहीं फैन ऑन करने की। लाहौर में हम गाड़ी में एसी चला के फिर रहे होते हैं, और इधर का ये सीन है कि मैंने विंडो भी बंद की हुई थी। गुलनाज इतना कुछ लाता आप लोग मेरे लिए, तेनों कहने के अली भाई आया। अभी ना बस हम लोग गाड़ी में बैठने लगे हैं और यहाँ से निकलने लगे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके। बस अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी लगा ना तो 3 घंटे लगेंगे। आसिम हमारे साथ नहीं जा रहा, हमारे साथ जो जा रही है ना अभी, वो आप लोगों को पता ही कौन कौन जा रहा है, लेकिन आसिम ने अभी आगे जाके जो ना उतर जाना है। मैं ना घर से निकला था तकरीबन 10:30 बजे, और अब इस टाइम टाइम हो गया 4:03 हो गया हुए हैं, और अभी हम लोग लाहौर के रास्ते में तकरीबन अभी घर पहुंचते हुए ना तकरीबन ज्यादा ही मैक्सिमम लगा ना तो 40-45 मिनट्स लगने। मेरा पोता डरते नहीं लग रहा? पक्की बात? कोई चीज तो नहीं अभी खानी पीनी? तो खानी पीनी तो बता दो, पक्की गल है? क्योंकि मैं तो इतना फुल होकर इनके घर से निकला हूँ ना, सही बात है कि मुझे अभी तक कोई भूख वगैरह कोई कुछ नहीं लगी हुई। और इस टाइम पहले ये हमारी सैरी का टाइम होता था 4:05-3 लास्ट जो रोजा मेरे ख्याल से बंद हुआ है ना वो 4:05-3 पे हुआ था, तो अभी मुझे अजान की भी पीछे से ना आवाज आ रही है। रोजे गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और सुबह ईद है, ईद के सुबह आज ही मतलब अब ईद है, और जाके अभी क्या कहते हैं मैंने अपनी ब्लैक शलवार कमीज जो है वो भी अक्सर इस्त्री करवानी है, कपड़े वगैरह जो उनसे है ना वो सारे अपने सेट शूट करने हैं। प्रिया तू जानी मेरे नमाज पढ़ने सवेरे? नहीं मैं ही जाऊंगा, दूसरा आसिम बिलाल लोग होते ना तो उन्होंने मेरे साथ चले जाना था। हाँ जी कैसा लग रहा है जूबा? तुसी कह रहे ना बॉडी बॉडी नहीं है, असली गड्डी पूरी पूरी, लेकिन पुराने मॉडल है गाड़ियों के, गाड़ियाँ ओरिजिनल लेकिन नहीं नहीं मतलब है बॉडी टाइप। मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा हुआ है ना, मैं कहता हूँ बस ईद जब मतलब ईद शुरू तो हो ही गई हुई है, लेकिन बादल हो जाए ना और ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या बात है। अक्सर ने ना मुझे अभी कॉल करके कहा कि आते हुए ना दूध का ना एक डिब्बा लेके आना, खत्म हो गया, लेकिन एक नहीं मेरे ख्याल से 2-3 और ये 4 कर लेते हैं, क्योंकि ईद है जारी बात है, एक से तो काम चलना नहीं, कुछ 4 डिब्बे होंगे तो फिर ही काम चलेगा। अभी तो मुझे लगता है इसके बाद और भी लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सुबह अक्सर का प्लान है शीर खुरमा वगैरह बनाने का, तो वो भी मेरे ख्याल से डब्बा शब्बा उठा लेते हैं यहाँ से। हाँ फड़ नहीं प्रीरा, बस हो गई मेरी अक्सर अक्सर तो आयशा वाले काम तू कर, हूँ वेखो इसकी जान चेक कर, ये चुकया। पहले तो मौसम बड़ा खूबसूरत है, और दूसरा मैं आप लोगों को सच्ची बताता हूँ 10:30 बजे मैं निकला हूँ, नॉन स्टॉप मैंने ड्राइव की है, वहाँ जाके मेरे ख्याल से कोई 1 घंटा मैंने रेस्ट की होगी अलीपुर में, और अब जो सा मेरा ये वाला लग गया ना ये बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा। आज ना वैसे कुछ मौसम लग रहा है मज़े का ही होगा, क्योंकि इस साइड पर सारे बादल नज़र आ रहे हैं, और अगर पूरी नज़र घुमा के देखा जाए ना तो माशाल्लाह यहाँ पे भी सारे आज बादल बने हुए हैं, तो मौसम की उम्मीद है कि आज मौसम अच्छा होने वाला है।